चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कतीरे के हलवे की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कतीरा क्या होता है। कतीरा जो है वो गेहूँ के दाने होते हैं, उनको 2 दिन के लिए भीगने के लिए रख दिया जाता है, और जब वो अच्छी तरह से भीग जाते हैं तो उसे जो है वो किसी मशीन में ग्राइंड कर लिया जाता है या ग्राइंडेड मशीन में। फिर उसका जो छिलका है उसको अलग कर लेते हैं, और उसका जो पेस्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, और जो पेस्ट है उसको हम 15 दिन की धूप में सुखाते हैं, तो सूख करके वो इस तरह से एक पाउडर फॉर्म में बन जाता है। और जब वो अभी ये तैयार हो चुका है पाउडर फॉर्म में, अब हम इसका हलवा बनाने जा रहे हैं। तो ये हलवा की रेसिपी जो है वो आपको मेरे बड़े दीदी शेयर करेंगे कि कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में देसी घी ले लिया है, और ये हम अपनी मम्मी के घर में आए हुए हैं तो वहाँ पर मेरे बड़े दीदी बना रहे हैं। तो देसी घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है, और ये जो है आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये गर्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि जो कतीरा है भीगने के लिए रखा था, इसमें हमने आधा कप पानी मिला दिया था कतीरे में। अब हम इसे देखेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा इसका हार्ड कंसिस्टेंसी लग रही है, थिक लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर वो प्रॉपर्ली से घुल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं घुला है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करना पड़ेगा। तो अभी हल्का सा पानी इसमें और मिक्स कर लेते हैं, और इसी तरह से जैसे बेसन का बैटर होता है सेम उसी तरह से इसे बनाना होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब कढ़ाई में घी गर्म हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे से डालते हैं, और जैसे ही इसे कढ़ाई में डालेंगे एकदम इंस्टेंटली आप देखेंगे कि ये एकदम हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। अभी लिक्विड था और अभी एकदम से हार्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से करछी से इसे प्रेस करते हुए हिलाएंगे, और अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर की कंसिस्टेंसी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? तो क्वांटिटी ये है कि अगर आप 2 कटोरी कतीरा ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप शुगर लेंगे चीनी, या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। तो अब इसे कड़छी की हेल्प से अच्छे से प्रेस करते करते हुए भूनना है, ताकि ये प्रॉपर्ली से हर तरफ से भुने। तो इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है कड़छी से। कलर जो है वो चेंज हो चुका है, सुनहरे ब्राउन कलर में आ गया है ये। अभी भी हम इसे हिलाते रहेंगे, कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये टाइमिंग लेता है आपका 15 मिनट का टाइम लेता है, और जो इसकी फ्लेम है वो ज़्यादा हाई ना रखें, अदरवाइज जल जाएगा। तो फ्लेम इसकी जो है वो लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना होता है। कलर बिल्कुल प्रॉपरली से चेंज हो चुका है, और बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा हलवा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार हो गई है। जब ये बिल्कुल सुनहरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है, और जो इसका जो घी है वो भी छोड़ना शुरू कर देता है ये। तो बस तैयार हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आपके कमेंट मुझे सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।